जय हिंद सभी को भाइयों को मेरा, आपका अपना भाई, आपका अपना सेवक, आपका अपना सब कुछ तन मन धन से सौरभ बेदी आपके सामने लाइव आ चुका हूँ मैं। सभी भाई मेरे से ज़्यादा जुड़ें। और आज मैं, आपको याद होगा कुछ ही टाइम पहले मैं पहले भी लाइव वीडियो में आया था, अपनी बातों को मैंने रखा था, अपने अंकित भाई, अंकित सक्सेना भाई की मैंने बात की थी, और भी अपने कासगंज वगैरह की बात की थी, कासगंज वारदात आपने देखी होगी सबने। उसी मुद्दे के लिए मैं बात रखने के लिए आया था, और पहले भी मैंने अपनी वीडियो में एक चीज़ जाहिर की थी और अभी दोबारा कहूँगा कि मैं किसी भी पार्टी को लेकर या किसी भी पर्सनली बात को लेकर मैं इस वीडियो में लाइव नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात को रखने के लिए आया हूँ और अपने छोटे बड़े भाइयों के साथ, बहनों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस लड़ाई के लिए, अपने भाइयों को जोड़ने के लिए बात कर रहा हूँ कि आज भी समय आ गया है अपने हिंदू भाइयों पे, अपने सिख भाइयों पे, अपने मुसलमान भाइयों पे, अपने ईसाई भाइयों पे, जब देश में नाइंसाफ़ी होती आ रही है। आप सभी देख रहे होंगे कई वीडियो डेली अपडेट होती हैं, आपने देखा होगा। इस मुद्दे पे मैं पहले नहीं बात की थी, आज मैं करूँगा, उस टाइम मेरे को कुछ, पर इस वीडियो में उन बातों के दौरान भी मैं बातें करूँगा, मैं जल्दी बात करूँगा क्योंकि मेरी नेटवर्क और मेरी बैटरी की सपोर्टेबल ढीली होती जा रही हैं, तो मैं आपसे जल्दी बात करूँगा। तो सभी मेरे से ऑनलाइन जुड़ें और मेरी बात को सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने हिंदू भाइयों, अपने मुसलमान भाइयों, अपने सिख भाइयों, अपने ईसाई भाइयों, सब तक यह बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कभी भी, हिंदुस्तान देश ही एक ऐसा देश है जिसमें कभी लड़ाई की बात नहीं की जाती, सबको अपना भाई माना जाता है। पर आपने कई वीडियो देखी होंगी, देखते आ रहे होंगे, वो यह है कि कई वीडियो देखी होंगी आपने जिसमें अपने कई भाई हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा पर्सनली, जो कि लड़ाई कराने वाले अपने देश में एक दूसरे से लड़ाई कराने वाली वीडियो शेयर करते हैं, इमेजेस सेंड करते हैं। तो प्लीज़ आप उन सभी बातों से परे रहें, उन बातों पे इग्नोर करें, या फिर उन बंदों को आगे लाकर उनको चुनौती दें कि हमारा देश जाग चुका है, हमारा देश एकजुट हो चुका है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो हमारे देश को आपस में लड़ाने लगे हैं, तो हमें उस चीज़ से बचना होगा, क्योंकि यह देश हिंदुस्तान है, ठीक है। यह देश कोई पाकिस्तान या श्रीलंका नहीं है जहाँ पे सिर्फ उसी देश की बात होती है, उसी मुल्क की बात होती है, उसी इंसानों की बात होती है, यह हिंदुस्तान देश है, ठीक है। तो जो यह वीडियो, अगर ऐसी वीडियो कोई डालते हैं या कुछ भी करते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशोध करें, उनको आगे लेकर आएं या उनको समझाएं, क्योंकि ऐसा करना गलत है, ठीक है। अपनी प्राचीन संस्कारों के प्रति ऐसा करना गलत है। आपको किसी भी ऐसे इंसान ने या भगवान ने या सरकार ने आपको ऐसी वो नहीं दी, राइट नहीं दिया कि आप ऐसी चीज़ किसी के बारे में कहें, अपने धर्म के बारे में कहें या किसी भी धर्म के बारे में कहें। प्लीज़ सभी धर्मों का हाथ जोड़कर उसका साथ दें, उसको सत्कार करें, उसका बढ़ चढ़ के, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश में सब कुछ है। यहाँ पे सरदारों के गुरुद्वारे भी हैं। मैं सिख फैमिली से हूँ, एक बेदी हूँ, सौरभ बेदी मेरा नाम है, ठीक है। तो मैं एक सिख फैमिली से हूँ, मैं यही बात कहूँगा ना, मैं हिंदुस्तान धर्म में मैं कोई अपने हिंदू भाइयों के ख़िलाफ़ नहीं बात करता, मुसलमानों के बात नहीं करता, ईसाई धर्मों के बारे में बात नहीं करता, मैं सिर्फ, और ना अपने मुसलमान भाइयों के बारे में बात करता हूँ, मैं सिर्फ एकता की बात करता हूँ और एकता की बात ही करता हूँ, क्योंकि हमारे देश में सच की जीत होती आई है और होती रहेगी। और अभी मैं जल्दी उस मुद्दे पे आऊँगा, अंकित भाई के साथ जो, अंकित सक्सेना भाई के साथ जो गलत हुआ, प्लीज़ उस भाई को इंसाफ दिलाएं। अपनी बहनों के साथ जो आजकल देख रहे हैं आपने, मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो शेयर की थी, किसी भाई ने डाली थी, उसको मैंने शेयर की थी, उसमें दिखाया गया था कि अपनी हिंदू बहन किसी भाई के साथ जा रही थी और कई कुकर्म ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसके साथ छेड़खानी की और उसका गलत फ़ायदा उठाया। तो प्लीज़ इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाएं कि ऐसे कुकर्म होने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश की छवि ख़राब होती है। अगर ऐसा होता रहेगा तो हमारे हिंदुस्तान में गलत लोगों की जीत होगी। तो मैं नहीं चाहूँगा, ना ही आप चाहेंगे कि हमारे देश में ऐसे बंदों का राज हो,
ठीक है, यह हिंदुस्तान देश है, तो प्लीज़ भाइयों सभी अभी भी जाग जाएं, जो सोए हुए हैं, जो अपने भाइयों के साथ अत्याचार हो रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़कर सपोर्ट करें और उन भाइयों के लिए जीत दिलाने में हमारी हेल्प करें, मेरी हेल्प करें। जैसे कि आपने अंकित सक्सेना भाई के साथ देखा होगा वारदात, जो कि मैंने फुल डिटेल में अपने पोस्ट में डाली हुई है, यूट्यूब पे भी डाली हुई है, अपने पेज पे, मेरे पेज का नाम है समाज सेवक सौरभ बेदी। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था मैं पार्टी को रिलेटेड लेकर मैं लाइव वीडियो में नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपनी पहचान बता रहा हूँ। ठीक है, मैं सब कुछ होने से पहले एक समाज सेवक हूँ, मीन्स आप सबका भाई हूँ, समाज सेवक। यह नहीं कह रहा कि मैं अपना नाम बनाना चाह रहा हूँ या वो बनाना चाह रहा हूँ, मैं ऐसी बात कोई नहीं कह रहा। मैं बस इसीलिए लाइव आया हूँ कि अपने देश में जो गलत कर रहे हैं उन गलत लोगों को सपोर्ट ना कर एक अच्छी सोच बनाने वाले इंसानों का साथ बनाएं, जिससे हमारे देश का भला हो और हमारे देश में एक अच्छी चीज़ की फतेह हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं दोबारा कहूँगा, और आप मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़ें। मेरे इस चैनल का नाम है समाज सेवक सौरभ बेदी, जो कि मैं शिवसेना पार्टी से भी हूँ, पर मैं इस वीडियो के दौरान पार्टी को रिलेटेड लेके या किसी भी बात को लेकर, किसी भी खिलाफों के लेकर मैं इस लाइव वीडियो में नहीं आया हूँ। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो को मैं यूट्यूब पर भी शेयर करूँगा, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे से ज़्यादा जुड़े रहें, क्योंकि हमें इंसाफ की बात करनी है, ना कि हमें अपना नाम बनाना है। ठीक है, नाम वह लोग बनाते हैं जिनकी छवि ख़राब होती है। खुले में कहता हूँ, नाम वही लोग बनाते हैं जिनकी छवि ख़राब होती है, जो पीछे काले अपने मुंह से सफ़ेद चादर की जगह काले चादर की इस्तेमाल करते हैं। क्यों कहते हैं, जो बंदा मुंह पे होता है वो पीठ पीछे कुछ अलग ही होता है। और मैं कहता हूँ, मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ, जो मैं हूँ वो मैं फेस से भी हूँ, वो मैं तन से भी हूँ, वो मैं मन से भी हूँ, वो मैं धन से भी हूँ। ठीक है, इस दुनिया में काफ़ी लोग हैं जो आपका मिसयूज़ करते हैं, मैं खुले में कहता हूँ ये बात, मिसयूज़ करते हैं, उन लोगों से आप दूर रहें। वो कहते तो साथ में ये हैं कि हम आपके हैं, और पीठ पीछे वो छुरा घोंपते हैं। ठीक है, मैं अपनों की बात नहीं कर रहा, मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो जिगरी कहलाते हैं, कहने में वो जिगरी कहलाते हैं पर होते वो जिगरी तो नहीं, एक सांप की तरह होते हैं, जो कि अपना फन फैलाते रहते हैं और आपकी छवि ख़राब करके अपने आप को अच्छा साबित कर देते हैं। तो प्लीज़ ऐसे दोगले लोगों से पीछे रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ना कि धर्म की बात करें, सिर्फ अपने हिंदुस्तान की बात करें। इन कपटों लोगों से दूर रहें जो बातें करते हैं कि मैं इस धर्म का हूँ उस धर्म का हूँ, वो लोग कहलाने के लायक नहीं होते, क्योंकि जो मुट्ठी बंद करके चलते हैं वही हिंदुस्तानी कहलाने के लायक हैं। जो मुट्ठी बंद करके चलते हैं वही हिंदुस्तानी कहलाने के लायक हैं, जो मुट्ठी खोल कर चलते हैं वह दोगले कहलाने के लायक हैं। ठीक है, तो कभी भी आप अपने में यह चीज़ ना सोचें कि मैं मुस्लिम धर्म से हूँ, मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं सिख धर्म से हूँ, मैं ईसाई धर्म से हूँ। आप पहले ये कहें कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी में क्या आते हैं, हिंदुस्तानी। ठीक है, हम एक सभी धर्मों से मिलकर एक बने हैं। क्यों कहते हैं, पाकिस्तान में जाएं तो वहाँ पे किसी को नहीं रहने दिया जा सकता, वीज़ा लगवाना पड़ता है, हर चीज़ कर। अपने इंडिया देश ही ऐसा है जहाँ पे सबको पनाह मिली गई है, यहाँ पे हर तरह का इंसान आपको मिलेगा। जैसे कि हिंदुस्तानी देखा जाए, सिख देखा जाए, ईसाई देखा जाए, मुस्लिम देखा जाए, और भी जाति के साउथ अफ्रीकन देखे जाएँ, नाइजीरियन देखा जाए, अपना ऑस्ट्रेलियन देखे जाएँ, सब देखे जाएँ। क्यों यहाँ पे लोगों पे क्यों लोग सब हेट करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो शक्ल पे हैं वही दिखते हैं, वही हैं। और सब दरअसल हम किसी के आगे ऐसी प्रस्तुति नहीं करते, किसी के आगे ऐसे फेस नहीं जाहिर करते कि हम किसी के ख़िलाफ़ हैं या वो हैं। हम हमेशा आप की बात करते हैं, आप मीन्स अपने होने की बात करते हैं। आप, मैं पार्टी को लेके नहीं कह रहा, ना मैं किसी पार्टी को लेके इतना चाहता हूँ, ना मुझे कुछ, मैं सिर्फ एक देश के प्रति समाज सेवक हूँ। आपको मेरा नंबर मेरी इस पोस्ट में भी मिला होगा, सौरभ बेदी नंबर मैं दे रहा हूँ, अगर किसी को ना लेना आ पा रहा हो या कुछ मेरे पेज से नहीं जुड़ पा रहे हों या मुझसे नहीं जुड़ पा रहे हों, 7503177824 / 826 826 भी मेरा ही नंबर है, 4 भी मेरा ही नंबर है।
ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई मुझसे जुड़ें और मेरी बात को बुलंद करने में मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि अपने जो भाइयों के साथ बहनों के साथ गलत हो रहा है, मैं नहीं चाहूँगा, नहीं आप चाहेंगे कि हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो, हमारे भी भाइयों के साथ हो, हमारे भी माता पिता के साथ हो। तो प्लीज़ ऐसी सोच वालों को समझाया जाए, ठीक है, एक ऐसा रूल बनाया जाए कि ऐसे लोगों को पहले समझाया जाए, नहीं समझते फिर उनको इस तरीके से समझाया जाए कि वह चीज़ वो दोबारा तो करना तो दूर, उस बारे में सोचना भी बहुत दूर की बात समझे, ठीक है। तो मैं इस छोटी सी लाइव वीडियो के दौरान मैंने अपनी बहुत बातें कही हैं, कई लोगों को यह बात बुरी लगती होंगी, कई बातों को लोगों को काटती होंगी, पर मैं एक बात जाहिर करता हूँ, जैसा मैं हूँ वैसा मैं दिखता भी हूँ और वैसी छवि मैं बनाकर चलता हूँ। ना मैं पीठ पीछे बात करता हूँ, ना मैं पीठ पीछे किसी की बुराइयाँ करता हूँ। मैं जो भी करता हूँ मुँह पे करता हूँ, खुले आम करता हूँ, चैलेंज डंके की डोर पे करता हूँ, क्योंकि जो अपने माँ बाप का नाम बनाते हैं या नाम बनाना चाहते हैं तो वह छवि खराब नहीं करते, वह पीठ पीछे दोगली बातें नहीं करते, क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स की केयरिंग होती है, उनको अपने देश के प्रति एक यूथ होता है, कहने का मतलब जुटपन होता है, एक जुटपन होता है, ठीक है। और जो दोगली बातें करते हैं वह देशद्रोही होते हैं, और जो पीठ पीछे बातें करते हैं वो दोस्त कहलाने के लायक नहीं होते। जो बातें करनी होती हैं खुले में कहो, साफ कहो, सुखी रहो, कहते हैं दो मिनट के लिए बुरा ही सही पर भली छवि वही होती है, अच्छी एक आपकी फेस थिंकिंग वही होती है, ठीक है। और आपको पता है मैं सारी बातें खुले में कहता हूँ। अभी मैं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन में हूँ, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हैं आप लक्ष्मी नगर में हूँ अभी। मैं खुले आम कहता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ खुले आम जाता हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी का वो रखता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी आवाज़ को अपनी आवाज़ बना के बुलंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों को जोड़ें। केवल एक अपने ऐसे भाई अपने बात करूँ सॉरी मुझे बात भूल गई, पर मैं जब भी याद आएगी मैं लाइव आऊँगा। अब मैं हर एक दिन छोड़ के लाइव आया करूँगा, तो प्लीज़ सभी भाई मेरे से जुड़ा करें और अपनी बातें भी रखा करें, जिससे मैं आपसे अपरिचित हूँ, जो अभी तक आपसे परिचय बनाकर अपना एक ग्रुप बनाएंगे, जिससे हम अपनी बातें आप तक रखेंगे, आप अपनी बातें हम तक रखेंगे, और अपने जो भाइयों के साथ बुराई होती आ रही है उन भाइयों को इंसाफ दिलाया जाए। अभी मैं एक दो दिन में टाइम निकाल कर फिर लाइव आऊँगा और अपने अंकित सक्सेना भाई जो कि अपने टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन रघुवीर नगर RGB ब्लॉक के भाई हैं अपने, उनके साथ जो बुरा हुआ है, उस भाई का जो गर्दन उखाड़ कर गर्दन कलम कर उनके पेरेंट्स के सामने रख दी गई, उस बात का इंसाफ दिलाना है मुझे, तो मैं उनके पास जाऊँगा। जितने भी भाई हो पाएँ तो मैं लाइव वीडियो में आऊँगा और आपको बताऊँगा मैं कब जाऊँगा। जितने भी भाई हो पाएँ, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा भाई हो पाएँ अपने दिल्ली के, अपने अदर भाई स्टेट के भाई हो पाएँ, तो मेरे साथ आएँ, जो कि अपने भाई के साथ जो गलत हुआ है उनके माता पिता का थोड़ा साथ बने, क्योंकि वह अपने माता पिता का इकलौता वारिस था, तो उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। आप सभी जाने जाने हैं उस वीडियो के भी, क्योंकि यह वीडियो भी मैंने पोस्ट की हुई है। तो प्लीज़ अपने ऐसे भाइयों का साथ, तो उन माँ बाप की क्या गलती थी जिनके आगे से उनका बच्चा वंश छीना गया, तो प्लीज़ बल लगाया जाए इन बातों पे, क्योंकि इन बातों में कुछ नहीं रखा। क्योंकि कहते हैं ना, मैंने पिछली वीडियो के दौरान भी बहुत बातें कही थी, कईयों ने सुनी होंगी कईयों ने नहीं सुनी होंगी, तो इस बार दोबारा कहूँगा। कई लोग सोचते हैं हमारी बहन बेटियाँ ऐसा कर रही हैं वैसा कर रही हैं, हमारे उस लड़के की गलती है, उस लड़के की गलत होने की वैसे हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, तो ऐसी सोच ना रखें। पहले कहते हैं अपनी चादर में ध्यान झाँकें, फिर दूसरे की चादर में या दूसरे को गलत कहें। शॉर्टकट में बहुत बातें कहूँगा, ठीक है, आप बाकी सभी समझदार हैं। मेरी बातें बुरी जरूर लगती हैं, पर मैं कड़वा सच बोलता हूँ जो कि सच्चाई कहलाती है, ठीक है। कड़वा लोग कहते हैं कड़वा बोल लीजिए, क्यों, क्योंकि कड़वा बोल एक बार के लिए बुरा लगता है, पर हमेशा की सच्चाई होती है वो, ठीक है।
तो मैं विदा लूँगा आपसे। मेरी उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मैंने इससे थोड़े दिन पहले ही अभी लाइव आया था, उसमें ही मैंने अपनी कई बातें रखी हैं, तो प्लीज़ उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। जय हिंद, जय हिंद राष्ट्र। आपका अपना समाज सेवक सौरभ बेदी, जय हिंद। बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद। जय हिंद राष्ट्र, जय हिंद।